आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम आ रही ना। आप लोगों ने सिलेबस देखा है क्या अपना? यस मैम। तो सिलेबस में जो फर्स्ट वाला जो मॉड्यूल है ना, उसमें अपने को थोड़ा थोड़ा ही दिया है, ठीक है? ज्यादा डीपली अपने को इतना स्टडीज में दिया नहीं है। उसके बाद में जो दिया है उसमें डीप स्टडीज है, ठीक है? तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे। इसके साथ आपको एक प्रोजेक्ट दिया है जो ग्रुप प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है? तो मैं उसको एंड में बताऊंगी कि क्या करना है ग्रुप प्रोजेक्ट में, ठीक है? और कोई ज्वाइन होने वाला है क्या कि स्टार्ट करूं? स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? कांजीवरम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले बनारसी ब्रोकेट, पैठनी साड़ी, जामदनी साड़ी और बालूचरी साड़ी के बारे में पढ़ा, ठीक है? अभी कांजीवरम देखते हैं। कांजीवरम साड़ी है फ्रॉम द टाउन ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु से है ये साड़ी कांचीपुरम। इट इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ी इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साड़ी है पूरे दुनिया में। क्यों है देखते हैं, ठीक है? इसका ये जो साड़ी है बहुत ज्यादा महंगी और इसको बहुत जैसे स्पेशल ओकेजन्स पे ही इसको पहना जाता है, ठीक है? साउथ में भी अगर ये साड़ियाँ पहनते हैं लोग तो स्पेशल ओकेजन पे ही इसको ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है? कांचीपुरम जो कांजीवरम साड़ी है उसको, ठीक है? तो ट्रेडिशनली साड़ी है ये, इसको हाथ से ही बनाया जाता है। अब इसकी टेक्निक के बारे में देखते हैं। द साड़ी इज वोवन इन प्योर मलबरी सिल्क विथ गोल्ड जरी ऑन हैंड ऑपरेट पीटलूम। क्यों महंगी है? सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें प्योर मलबरी सिल्क जो होता है वो यूज हो रहा है और गोल्ड की जरी का काम होता है, ठीक है? मतलब जरी के धागे जो है वो सोने के होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा महंगी इसकी साड़ी होती है, ठीक है? और ये हाथ से ही मतलब बनाते हैं। आप लोग अभी सीरियल देखते हो क्या? कोई वो टेलीविजन पे सीरियल आते हैं, देखते हो क्या? देखते हो क्या स्टार प्लस वगैरह देखते हो? हाँ मैम। कौन सी सीरियल में दिखा रहे हैं आजकल कांजीवरम साड़ी के बारे में? नहीं मैम, पूरे सीरियल्स नहीं देखते। अरे तो मैं सीरियल की बात कर रही हूँ, ठीक है? सब मतलब इसके पहले कौन सा वो इशिता वाला सीरियल था एक, क्या था यार, इशिता का एक सीरियल था, सीरियल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो सीरियल में उसको कांचीवरम साड़ी के मतलब साड़ी ही उसके ऊपर दिखाते थे, ठीक है? क्योंकि वो साउथ से बिलोंग कर रही है वो लेडी, और उनको कांजीवरम साड़ी ही मतलब उसी से वो इनका इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है? और अभी जो चल रही है वो मेहंदी है रचने वाली एक सीरियल आता है, उसमें वो कांजीवरम साड़ी के बारे में बहुत ज्यादा वो सीरियल में है, ठीक है? जो वो जो मेन लीड एक्ट्रेस है उनको उसी साड़ियों में बताते हैं, इवन वो साड़ी को बुनते हुए भी दिखाया गया है उस सीरियल में, ठीक है? तो आप देखना, अगर साड़ीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मतलब टेलीविजन से भी आपको मिल सकती है, ठीक है? कि कौन से कलर्स नए हैं और क्या मतलब एक्स्ट्रा में जो हमको डिजाइन्स देखने को मिलती है अभी अलग अलग, ठीक है? तो ये साड़ी में प्योर सिल्क और गोल्ड की जरी का इस्तेमाल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा महंगी साड़ी है।
और इसमें जो कलर यूज होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मस्टर्ड कलर होता है, डीप ग्रीन होता है, मरून और यूब्रिंगिंग कलर होता है। अब ये जो कलर है इसको बोलते हैं बैंगनी कलर, ठीक है, बैंगनी कलर है, लेकिन नाम इसका अलग दिया है, ठीक है, क्योंकि वो नया कुछ कलर मिक्सअप करके कुछ नया बैंगनी कलर है। ये इस तरह का कलर है, थोड़ा ब्लूइश और वो दिखता है वॉलेट ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये कलर इसमें यूज होते हैं और इसकी टेक्निक है पीट लूम, ठीक है, मतलब हाथ से बुनाई जाती है इसको। देन इसके मोटिव्स है, मोटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। द मोटिव इमेजिनरी इन ड्रॉ फ्रॉम द नेचर एंड फ्रॉम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ज्यादा से ज्यादा इसके जो मोटिव है, मतलब जो डिजाइन है, वो जो मंदिर के आर्किटेक्चर, जो मंदिर के ऊपर जो नक्शे काम होते हैं उससे रिलेट होते हैं या नेचर से रिलेट होते हैं, ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल है जैसे पीकॉक, पैरोट, ठीक है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष देखा है आपने कैसा होता है, ठीक है, वो। देन पंछी की आंख रहती है, कलक्ष होता है, और कुछ रामायण महाभारत या भगवद गीता से जुड़े ऐसे कुछ सीन्स इसके साड़ी के पल्लू पे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसके मोटिव्स होते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे कांजीवरम साड़ी दिख रही है, कलर देख रहे हो आप कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कलर इन्होंने बताया है डीप ग्रीन, मरून, ठीक है, तो ये कलर्स इसमें यूज होते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अभी जैसे जैसे अपडेट होते जा रहा है तो वैसे वैसे कलर में थोड़े चेंजेस अपने को मिलते हैं देखने के लिए। तो आप लोग अपडेट रहोगे इन सब चीजों से तो आपको पता चलेगा। देन चंदेरी सिल्क, चंदेरी साड़ी के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो कांजीवरम थी ये तमिलनाडु से थी, अभी चंदेरी साड़ी है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, रीजन, ठीक है, रीजन है मध्य प्रदेश, चंदेरी ग्वालियर के पास, ठीक है, चंदेरी नाम की प्लेस है वहां पे ये इसको बुनाया जाता है। देन द क्राफ्ट इज, ये जो बनाए जो बुनी हुई साड़ी है, ठीक है, जो चंदेरी साड़ी बनाई जाती है वो मुस्लिम में एक कैटेगरी है, अंसारी जो होते हैं वही मतलब उसके जो बुनने वाले जो कारागिर है वो अंसारी ही होते हैं, ठीक है। फिर इसकी टेक्निक है, द साड़ी इज वोवन इन अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड डीगम्ड सिल्क। जो सिल्क होता है, जो अपना रेशम होता है, इसको इसके ऊपर एक चिकनाहट रहता है, ठीक है, गोंद होता है, जब ये रॉ होता है ना सिल्क, उसको उबालते हैं। आपको पता होगा सिल्क किस तरह से हम लोग बनाते हैं, कुकुन में से सिल्क निकालते हैं, आपने टेक्सटाइल पढ़ा होगा तो उसमें देखा है, ठीक है, सिल्क के बारे में कि कैसे कुकुन को उबाल के हम लोग सिल्क अलग अलग करते हैं, ठीक है, थीके? तो उसको डीगम सिल्क, डीगम्ड मतलब सिल्क बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर का सब मतलब निकाल देते हैं और नॉर्मली जो उसकी शाइन आती है, ठीक है, वही सिल्क ये लोग यूज करते हैं कॉटन के साथ ब्लेंड करके, ठीक है। इसमें पेस्टल कलर यूज होता है और छोटी छोटी बुट्टियां बनती है साड़ी में, ठीक है, और पतली सी गोल्डन बॉर्डर होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती है, नॉर्मली देखो, ठीक है, ये साड़ी है, इसमें बुट्टे बने हैं और ये नॉर्मल बॉर्डर साड़ी रहती है, ज्यादा कुछ एकदम ऐसा हेवी बॉर्डर वगैरह ऐसी कुछ साड़ी नहीं रहती, तो गोल्ड बॉर्डर होती है। दी पल्लू जनरली हैज फाइन लाइंस इन जरी यान, जरी यान के मतलब जरी के धागों से इसका पल्लू जो होता है वो बना हुआ होता है, स्पेशली उसके बॉर्डर्स बने रहते हैं। दी मोटिव आर वेरी सिंपल, ठीक है, मोटिव्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। सम एग्जांपल्स, मतलब मोटिव के बारे में कुछ एग्जांपल दिया जाए तो गोल्ड के कॉइन जैसे अशर्फिया जिसको बोलते हैं, गोल्ड जो सर्कल जो रहता है ना छोटा छोटा, जिसको हम पोलका डॉट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वैसा बने रहेंगे उस पे, या तो कुइरिया बनी रहेगी, मैंगो मतलब कुइरिया, ब्रीक मतलब ईट, ठीक है, ईट बने रहेंगे, रुद्राक्ष बने रहेंगे छोटे छोटे, ठीक है, या तो फिर छोटी छोटी कोई भी बुट्टिया जैसे यहाँ पे साड़ी में दिख रहा है, स्क्वायर बना है, ठीक है, ट्रायंगल भी बन सकता है,
तो ऐसे छोटे छोटे इसमें मोटिव होते हैं, और वो मोटिव कहीं से मतलब रिलेट नहीं है, ना नेचर से रिलेटेड है, ना टेम्पल से रिलेटेड है, जस्ट एक ज्योमेट्रिकल फिगर मान के हम लोग, या हाँ ज्योमेट्रिकल फिगर मान के हम लोग उसको मोटिव में दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखी चंदेरी साड़ी है, ये व्हाइट कलर की एंड गोल्डन कलर की इसमें यूज किया है जरी, व्हाइट स्पेशली ऑफ व्हाइट साड़ी होती है। देन माहेश्वरी साड़ी के बारे में पढ़ेंगे। माहेश्वरी इज अ स्मॉल टाउन नियर इंदौर मध्य प्रदेश, फेमस फॉर डेलिकेट समर वेयर वोवन साड़ी। दुपकाले में जो पहनती है औरतें, ठीक है, स्पेशली इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये माहेश्वरी साड़ी। ये बहुत ज्यादा मतलब हेवी नहीं होती, नॉर्मली कॉटन और सिल्क से ही बनी होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। कहाँ से है ये? मध्य प्रदेश से है, इंदौर के पास में एक छोटा सा टाउन है माहेश्वर, ठीक है, वहां से ये बिलोंग करती है साड़ी। The saree is woven with cotton weft and silk warp, which is dye on loom. यहाँ पे जो टेक्निक यूज करते हैं माहेश्वरी साड़ी बनाने में, वो कॉटन और सिल्क का, मतलब जो कॉटन होता है वो वेफ्ट, वेफ्ट के धागों में कॉटन होता है और वार्प के धागों में सिल्क होता है। ठीक है, इसको इसमें लूम में सेट करके उसको बनाते हैं। ठीक है, इट कैन बी प्लेन टोन्ड ऑन टोन विथ अ स्ट्रिप और चेक्स बॉर्डर। स्पेशली जब भी इसको बनाते हैं तो चेक्स बॉर्डर या तो प्लेन में बनाते हैं, तो सिंपल प्लेन साड़ी होती है या तो चेक्स में बनी होती है। ठीक है, इट हैज थ्री डेकोरेटिव बैंड बॉर्डर और जरी ऑन द पल्लू। तीन तरह की यहाँ पे डेकोरेटिव पल्लू की जो बॉर्डर पे जो जरी होती है वो तीन टाइप की होती है इसमें। The color are very varied, but the most popular are the intense haldi kumkum combination, which is red and yellow and shrubs, मतलब vegetable color. अब यहाँ पे जो colors इनका use करते हैं इसमें साड़ीज में, तो ये ज्यादा से ज्यादा येलो एंड रेड कलर की कॉम्बिनेशन में बनती है, जिसको हल्दी कुमकुम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, या तो फिर जो नेचुरल सब्जी के कलर्स होते हैं उससे बने हुए जो नेचुरल डाइज होते हैं वही इसमें यूज करते हैं। ठीक है, माहेश्वरी साड़ी की ये सबसे ज्यादा खासियत है कि इसमें नेचुरल डाइज ही यूज करते हैं। ठीक है, और इससे भी बड़ी खासियत ये है कि आपको अहिल्या देवी पता है, ठीक है, तो उनके राज्य में ये स्टार्ट किया था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था माहेश्वरी साड़ी, उन्होंने ही सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, और किसी को गिफ्ट की थी। इसके बारे में हिस्ट्री आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग सर्च किया करो। ठीक है, देन इसके मोटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। द मोटिव्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्किटेक्चर कार्विंग ऑफ द माहेश्वर्स अहिल्या फोर्ट, जो अहिल्या माता का जो वहां का फोर्ट है, किला है, ठीक है, माहेश्वर का, उसके ऊपर जो कारीगरी की है, मतलब जो मंदिर बने हैं वहां पे, उनके जो मंदिर पे नक्शी काम किया है, उसी की डिजाइन्स इसके साड़ी के पल्लू पे, साड़ी के बॉर्डर पे बनाई जाती है। इवन दुपट्टों पे भी या ड्रेस पे भी उसी वही मोटिव लिए जाते हैं, जैसे हाथी हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, द आर्किटेक्चर कार्विंग डन ऑन द फोर्ट वॉल सच एज कांगरू, मतलब शेवरॉन जो है, मतलब ऐसे zigzag होता है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको कांगरू बोला है, कंगूरा बोला है। ठीक है, एंड चटई, चटई मतलब मैट। ठीक है, एक आपको नीचे दिखाऊंगी, पिक्चर में है। ठीक है, चटई आपको पता है, एक वन वे ऊपर डाउन, वन अप डाउन करके जो बनाते हैं, सेम चटई वही वाला। ठीक है, फिर वो मोटिव होता है, और एक है इंस्पायर्ड फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द बॉर्डर माहेश्वरी साड़ी। यहाँ पे चेक्स में दी है बनी हुई साड़ी। ठीक है, ये जो पैटर्न है ना, ये चटई पैटर्न है। ठीक है,
तो ये सिंपल अप एंड डाउन डायरेक्शन में बनाई जाती है, ठीक है। ये वीविंग है माहेश्वरी साड़ी की। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको और पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन आप खुद भी सर्च करोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद है शॉल, कश्मीर की शॉल, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सर्च किया था क्या? साक्षी, अच्छा साक्षी सर्च किया था क्या? मिनट आती हूँ मैं। साक्षी सर्च किया था क्या? कांजीवरम के बारे में बस थोड़ा किया था। अच्छा, बाकी नहीं सर्च किया था ना? ठीक नहीं, है, बाकी सब लोगों ने किया था क्या? सब लोगों को सर्च करना है, आपके सिलेबस में नाम दिए हैं, ठीक है। वो आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसलिए सर्च करने का बोला था मैंने। मैं अभी आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। कश्मीर का शॉल हम लोग बाद में देखते हैं, अभी मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ। आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको टेक्सटाइल, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है उसमें आपका ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है आपको। तो अभी तो आप ग्रुप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी लड़कियां यहाँ पे प्रेजेंट होती है? चार। अभी कौन लेफ्ट हुआ? मैम वो कोथरना की एक गर्ल थी, मतलब हमारे कॉलेज की नहीं थी। अच्छा, आप चारों एक ही क्लास के हो ना? हाँ ठीक है, तो आप दो दो में से दो दो करके गर्ल्स डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें से आप दो दो लोगों को ना, देखो फर्स्ट मॉड्यूल में कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं, ठीक है, अपने सिलेबस में। आप लोगों के पास सिलेबस होगा तो देख लेना, उसमें जो स्टेट्स के कुछ नाम दिए हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक है, कच्छ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, ये सब आपको नाम दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें से दो लोग करके डिवाइड करो। जैसे साक्षी और अंजलि एक ग्रुप में है, रूपाली और सोनाली एक ग्रुप में है, ठीक है। तो आप लोग वो स्टेट्स को डिवाइड कर लेना अपने अपने हिसाब से। उसके बाद आपको क्या करना है,
ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? मैम स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हाँ तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है आसाम, ठीक है। आसाम में क्या है? मोगा सिल्क है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। और ये जो है पिक्चर, ठीक है, अब इसको तो हम मतलब ये नहीं कर सकते, मतलब प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो बेटर है, ड्रॉ कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। प्रिंट आउट निकलती है आपके पास से तो प्रिंट आउट निकाल के इसको कट करना है, ठीक है। एक चार्ट लेना है, चार्ट पेपर पे इस तरह से आपको अलग अलग स्टेट्स के, यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे, गूगल पे पिंटरेस्ट पे सर्च करो, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप ये प्रिंट आउट नहीं कर सकते हो तो आपके पास स्वैचेस होंगे, स्वैचेस मतलब कपड़े के टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर माहेश्वरी का कपड़ा होगा आपके पास तो उसका टुकड़ा काट के आप उस पर चिपका सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हम लोग पहनते नहीं है, इसलिए मैं आपको वही प्रिंट आउट की बात कर रही थी। प्रिंट आउट निकालो इसका और वो कटिंग उस पर चिपका देना, ठीक है। एक ये कर सकते हो, ड्रॉ अपने को नहीं करते आएगा, ये इतना टेक्निकल हम लोग का ड्रॉइंग नहीं है तो उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये लिखना है आपको और लिख के उसका फोटो या पिक्चर लेके साइट में चिपकानी है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंटेशन भी बनाना है आपको और इसका एक कॉपी में भी कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जो आपके पास एक कोई प्रैक्टिकल की कॉपी होगी ना आपके पास है? मैम मराठी वालों को मराठी में इंफॉर्मेशन लिखनी है क्या? चलेगा, हिंदी इंग्लिश मराठी जितना भी लैंग्वेज का है, अगर आपको इंग्लिश समझती है, आप हिंदी हो, हिंदी मीडियम लिया है लेकिन आपको इंग्लिश समझती है, नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा है इतना तो अपने को समझ में ही आता है कि इसको गोल्डन फैब्रिक फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये हैंड वॉशेबल है, यह लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये चीजें अपने को समझ में आती है तो इंग्लिश में ही लिखो, जरूरी नहीं उसको मराठी हिंदी में लिखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी वैसे ही देना है। मैम बोलिए। मैम ये अपने जो चार्ट पेपर पे बताया उस पे नहीं और प्रैक्टिकल बुक पे किए तो? हाँ मैं वही कह रही हूँ, चार्ट बनाना है मतलब पेपर पे मत करो इसको, जो बुक होती है ना प्रैक्टिकल कॉपी, एक साइड व्हाइट होता है और एक साइड लाइनिंग होती है, yes, पता है ना, हाँ वो कॉपी पे करो, जहाँ पे व्हाइट कलर का है, जहाँ पे लाइनिंग्स नहीं है वहां पे इसको कटिंग चिपकाना है, और जहाँ पे लाइनिंग है वहां पे ये लिखना है, इतना कर सकते हो? यस मैम। डिवाइड करके बराबर करो या तो इंडिविजुअल वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले अकेले करना चाहते हो तो अकेले अकेले करो, ठीक है। मैम मैं और अंजलि दोनों साथ में कर लेंगे। अच्छा ठीक है चलेगा, जिसको अकेले करना है वो अकेले करो, जिसको साथ में करना है साथ में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बता देना, ठीक है। हाँ मैम फिर हमारा जो है फर्स्ट मॉड्यूल, हम दोनों को फिर फर्स्ट मॉड्यूल के जितना दिया है महाराष्ट्र वगैरह मणिपुर तक, वहाँ पूरा पूरा करना पड़ेगा क्या? हाँ 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 देखो, सिंगल करोगे तब भी पूरा करना है, डबल करोगे तब भी पूरा करना है, ठीक है। लेकिन इतना है कि फिर वो मार्क्स देखो, आपको सबको 25 मार्क्स एक मॉड्यूल पे देने ही है, है ना, तो इंडिविजुअल करोगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, लेकिन ग्रुप में करोगे तो प्रॉब्लम यही रहेगा कि अरे ये मैंने देखा था, तुमने प्रिंट आउट निकाली क्या। देखो आपको टीम वर्क करना है तो टीम वर्क कर सकते हो, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ व्यवस्थित चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट ही दिया हुआ है ये। मैम फिर एक ही कॉपी करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ एक बनाओ, एक ही कॉपी बनाओ, अगर दो लोग मिलके बना रहे हो तो भी एक ही कॉपी बनेगा, लेकिन स्टेट डिवाइड होगे, प्रोजेक्ट आपका एक ही बनेगा, स्टेट डिवाइड होगे। मैम स्टेट कैसे डिवाइड होगी फिर? जैसे सोनाली ले रही है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल लेगी अंजलि, फिर आंध्र प्रदेश लेगी सोनाली, गुजरात लेगी अंजलि, ऐसा, ठीक है। फिर मैम वैसे नाम डाल के बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, और देखो यहाँ पे कैसे उस टेक्सटाइल के बारे में टेक्निक और टेक्सटाइल की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन अपने को मोटिफ वगैरह ये सब भी निकालना है, कलर मोटिफ वीविंग और टेक्सटाइल का टेक्निक इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। और किस इस पे कलर भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन यहाँ पे मोटिव आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, मोटिव के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मोटिव आप क्या करोगे,
आपको सर्च करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है, सर्च करके आपको लिखना है। समझ में आई बात? एक बना लेंगे, एक महाराष्ट्र स्टेट का देना, आपको दिखा देंगे, फिर बाकी का बना। हाँ चलेगा चलेगा। तो आप क्या करना, उसको आप कॉपी में तो बना ही रहे हो, साथ में आपको पीपीटी भी बनानी है उसकी। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको पीपीटी भी लगेगी, ठीक है? ओके मैम, पीपीटी तो बनी जाएगी ना। या तो फिर दो लोग मिलके एक काम करो ना, जो ग्रुप प्रोजेक्ट है ना, तो एक जन पीपीटी पे वर्क करो और एक जन प्रैक्टिकल कॉपी पे वर्क करो। ओके मैम। तो साक्षी किसके साथ कर रही है, अकेले करेगी? कितना बनाना है? क्या मतलब कितना बनाना है? आप अपना सिलेबस ओपन करो, उसमें फर्स्ट मॉड्यूल में स्टेट्स दिए हुए हैं, वो सारे स्टेट्स बनाने हैं। अच्छा ठीक है, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप कर सकते हो इजीली। हाँ मैम, सभी को फर्स्ट मॉड्यूल ही बनाना है ना? हाँ हाँ, सबको फर्स्ट मॉड्यूल पे काम करना है, इसमें एम्ब्रॉयडरी का एक भी पार्ट नहीं आएगा, ठीक है? यस मैम, सब टेक्सटाइल ही है, एम्ब्रॉयडरी फिर सेकंड इसमें है। हाँ, हमने जो पहले इसमें एम्ब्रॉयडरी पढ़ी थी वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ी थी, ठीक है? हाँ। और अभी जो हम एम्ब्रॉयडरी पढ़ेंगे उसकी डीप स्टडी में एम्ब्रॉयडरी पढ़ेंगे, ठीक है? मैम फिर थर्ड मॉड्यूल में हैंडलूम्स इंडस्ट्री का है ना, मतलब हाँ, अलग अलग इसमें। हाँ ये वो हैंडलूम इंडस्ट्री अलग है, ठीक है, बट ये जो है ये अपने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में पढ़ रहे, तो इसके ऊपर फोकस करो अभी, ठीक है? रूपाली सिंगल वर्क करोगी या किसके साथ करना है? हाँ मैं कर लूंगी। अकेले करोगी? हाँ मैम अकेले। पीपीटी भी, पीपीटी भी और प्रोजेक्ट भी, ठीक है? हाँ। साक्षी किसके साथ करोगे? मेरे साथ करेंगे मैम। अरे अभी तो बोल रहे थे अकेले करेंगे। मैम सिंगल भी कर सकते हैं और ग्रुप में बनाना है तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अंजलि और सोनाली का करना है ग्रुप और रूपाली और साक्षी का करना है? यस मैम। ठीक है, तो एक जन पीपीटी बनाओ, एक जन प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है? तो रूपाली साक्षी आप दोनों में से कौन पीपीटी बना रहा है? मैम मैं पीपीटी बना लूंगी। ठीक है, साक्षी पीपीटी बना देगी और वही पूरा का पूरा अपने को सेम उसमें कॉपी में छापता है, ठीक है? तो दोनों का इन्फॉर्मेशन मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए, पूरा परफेक्टली मैच होना चाहिए, ठीक है? जो साक्षी पीपीटी में दे रही है वही रूपाली कॉपी में लिख रही है, रूपाली जो फोटो कॉपी में चिपका रही है वही फोटो साक्षी पीपीटी में दे रही है, ठीक है? यस मैम। सोनाली अंजलि समझ गया या रिपीट करूं? समझ गए मैम। पीपीटी कौन बनाएगा आप दोनों में से? अंजलि। मैं बना लूंगी मैम। हाँ मैम, अंजू पीपीटी बना लेंगी, मैं प्रोजेक्ट बना लूंगी, ठीक है? और लेकिन जब एक्सप्लेन करने का बारी आएगा ना पीपीटी का, तो इस बार कोई छुट्टी नहीं मारना, ठीक है? यस मैम, यस मैम। चारों के चारों मेरे को प्रेजेंट चाहिए, और आधा पोर्शन एक लड़की प्रेजेंट कर रही है, दूसरा पोर्शन दूसरी लड़की प्रेजेंट करेगी, दोनों मिलकर पीपीटी को प्रेजेंट करना है। मैम मत पीपीटी एक ही देना है ना? हाँ पीपीटी एक ही देना है जिसमें सारे स्टेट आएंगे, और प्रोजेक्ट भी एक ही देना है जिसमें सारे स्टेट आएंगे। ओके मैम, ठीक है। और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट से? मैम मराठी में ये करना पड़ेगा ना ट्रांसलेशन उसका? नहीं, मैंने अभी आपको क्या बोला, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है, अपनी लैंग्वेज में समझ में आता है, ठीक है, तो फिर आप इंग्लिश में लिखोगे तो भी मुझे मराठी में बता सकते हो। मैं वैसे नहीं पूरी, जब पीपीटी एक्सप्लेन करना होगा तभी तभी की बात कर रहे हैं मैं। नहीं नहीं पीपीटी का भी वैसा ही है, जब इंग्लिश में आप पीपीटी दे रहे हो ना, देखो मैं मेरे सामने इंग्लिश लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको किस में बताती हूँ, मराठी या हिंदी में बताती हूँ? हाँ मैम, आप वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रांसलेट करना मतलब फिर इसको कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेटर में डालो, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, अगर आपके लिए इजी जाता होगा तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। मैम इंग्लिश में हम रीड लिख लेंगे, देन मैम अंजू हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं? हाँ, okay, हाँ,
चलेगा, मैं खुद तो आपको बोल रही हूँ जैसा मैं पढ़ाती हूँ वैसा आप करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा हुआ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इंग्लिश भी अपने को आनी चाहिए है ना, सिर्फ मराठी हिंदी में पूरा पेपर आता है क्या? नहीं, कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। यस मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है? नो मैम। मैम कब तक सबमिट करना ही है? 30 तक हो जाएगा। ठीक है मैम, हो जाएगा। ठीक है, 30 तक दिया तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 30 तक दिया तो। ठीक है, और प्रेजेंटेशन मैम नहीं शॉप मैम शॉप्स वगैरह बंद है ना इसकी प्रिंटआउट्स के, तो मैम थोड़ा एक के बाद दिए तो नहीं चलेगा का? क्योंकि 1 तारीख तक शायद से इधर का खुल जाएगा हमारे इधर का। देखो प्रिंटआउट जो है वो कॉपी पे चिपकानी है अपने को, तो कॉपी अभी सबमिट करनी नहीं है, लेकिन कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए, अपनी पीपीटी कम्प्लीट हो जानी चाहिए। तो पीपीटी में प्रिंटआउट चिपकाने का मतलब ही नहीं है ना कुछ, पीपीटी में तो कॉपी पेस्ट अपन ऐसे ही कर लेते। ठीक है, तो आप 30 तक आराम से दे सकते हो एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस। देखो एक दिन में पीपीटी बन जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ठीक है, अभी ये चीज आपके लिए नहीं है तो आपको 1 हफ्ता लग सकता है। ठीक है, बनाने में थोड़ा सर्च करने में लगता ही है, क्योंकि अपने लिए नई नई चीज है। ठीक है, अपना वो फील्ड नहीं है अभी तक, तो अपन इतना वो नहीं कर सकते, तो 1 हफ्ता इसको बनाने में ले लो। और एक्सप्लेन करने के लिए आप तो रोज ही मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। बस इसको क्या है ना, डबल डबल पढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे उतना समझोगे और इजीली समझा पाओगे। ठीक है, yes, और कुछ पूछना है? इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, पूरा कंप्लीट होने के बाद दूं या अभी दे दूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। मैम अभी दे दूं? आप कंप्लीट होने के बाद दे दूं? नहीं अभी अभी हाँ मैम अभी दे दो ना, फिर जितना हुआ उतना और जितना नहीं हुआ वो समझ में आएगा कि फिर फिर ऐसा मत करना कि मैं आपको नोट्स दे देती हूँ तो फिर आप सर्च करना भूल जाओ, ऐसा नहीं करना, आपको कुछ सर्च भी करना है। हाँ मैम, है ना, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, नोट्स है ना तो हम सर्च क्यों करें, वही के वही वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ये नहीं करना आप सर्च करना, इसलिए मैं दे नहीं रही थी नोट्स। ठीक है, चैप्टर एंड की बात दे देना पक्का? हाँ मैम, ऑलमोस्ट अपना होते ही आ गया है ना, ज्यादा कुछ है नहीं। मैम ये मॉड्यूल कौन सा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल है ना अपना? यस मैम, बट ये इसमें पूरा मतलब जो हाँ असम पंजाब मतलब इसके स्टेट वाइज ना। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या नहीं समझ में आ रहा मैम, मतलब ये आप अभी किसे साड़ी का ही बता रहे ना, साड़ियों का। हाँ तो वो मतलब मैम आप वो टेक्सटाइल फाइबर ले रहे हैं ना, फैब्रिक। देखो फर्स्ट मॉड्यूल देख रहे हो आप, ठीक है, अपने सिलेबस देखो, फर्स्ट मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव में क्या क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव में टू एक्वायर नॉलेज ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, देन They acquaint the student with the different motif, color and weaving technique used in the textile along with their significance. यही हम पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे, motif, technique, color, weaving की जो techniques है वो है ना, ये पढ़ रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि कौन से स्टेट से क्या आता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। Then content में देखो आपको क्या मिल रहा है, इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ अबाउट द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी इन इंडिया। तो ऑब्वियस हमने एम्ब्रॉयडरी के बारे में पहले देख लिया कि कितने टाइप की एम्ब्रॉयडरी, लेकिन उसके अंदर के टाइप्स अभी देखने बाकी है। चिकनकारी सिर्फ एक नाम नहीं है, उसके अंदर और भी उसके टाइप्स है। ठीक है, कांथा के अंदर और उसके टाइप्स है,
और आपको पता है गुजराती जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें सिंधी टाका, ये और भी दूसरे दूसरे टाके होते हैं, मिरर वर्क वगैरह होता है, ठीक है? उसके बारे में हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। उसकी डीप स्टडी है वो बाद में है, ठीक है? वो सेकेंड मॉड्यूल में है अपने। तो अपने अपन ने फर्स्ट मॉड्यूल में सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के नाम पढ़े हैं, और उसी के नीचे क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट में, टेक्सटाइल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लिस्टेड बिलो। जो स्टेट दिए गए हैं उसमें जो टेक्सटाइल हम लोग देख रहे हैं वो, ठीक है? जैसे यहाँ उसमें उसके अंदर क्या दिया है, फाइबर्स दिए हैं, कलर कौन से यूज होते हैं वो दिया है, मोटिफ दिए हैं, और जो वीविंग टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है? महाराष्ट्र में पैठनी है, पैठनी का पढ़ा हमने। वेस्ट बंगाल में क्या कौन सा पढ़ा हमने, बालूचरी और बालूचरी और कौन सा, जामदनी, भूल गए ना? हाँ मैम। भूल गए। देन तमिलनाडु में अभी हमने पढ़ा कांजीवरम, ठीक है? हाँ मैम। मध्य प्रदेश में चंदेरी और माहेश्वरी, ठीक है? और भी यहाँ पे स्टेट्स दिए हैं, धीरे धीरे हम वो भी पढ़ेंगे। अभी जम्मू कश्मीर से हम लोग शॉल का पढ़ रहे थे, वो कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ टेक्सटाइल पढ़ेंगे। एम्ब्रॉयडरी के हमने जो मेन मेन नाम थे वो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में दे दिए हैं। अभी हमारे स्टेट बचे हैं, तो स्टेट भी एक दिन में दो दो तीन तीन खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो इजिली ये एक हफ्ते का भी काम नहीं है, खत्म हो जाएगा जल्दी। समझा अभी फर्स्ट मॉड्यूल कैसा है? समझा हाँ मैम। ना? हाँ। यस मैम। देन इवोल्यूशन में देखो क्या दिया है, इवोल्यूशन में 25 मार्क्स में आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल स्टेट वाइज ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है, जो मैंने आपको बताया वैसा आपको बनाना है, ठीक है? ये फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ पूछना है? मैम हम्म, हेलो मैम, हमारे सिलेबस में जो तीन जो सब्जेक्ट है उसके पढ़ा रहे, देन टू सब्जेक्ट्स और बाकी वो प्रैक्टिकल बेसिक है क्या मैम? कौन से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम बताओ। ट्रेडिशनल मैम जैसे अभी ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया जो अपना चल रहा है, टेक्सटाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल हाँ। इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया, देन मैम अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग का है। हाँ हेलो, हाँ हाँ मैम वो अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, देन थर्ड वाला जो है वो एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट, कस्टम ऑफ इंडिया, ये तीन सब्जेक्ट के हो रहे हैं जैसे क्लासेस। हाँ, कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया। हाँ मैम वो वाला हो रहा है तीन इसका। फिर मैम जो दो सब्जेक्ट है वो वाले प्रैक्टिकल बेसिक है क्या? हाँ ये प्रैक्टिकल है, जो बेसिक स्टाइलिंग एंड पोर्टफोलियो डेवलपमेंट है वो प्रैक्टिकल है, हाँ और एंटरप्रेन्योर जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी प्रैक्टिकल है, ठीक है? हाँ मैम वही इंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट वाला। तो हाँ तो ये मैम दोनों सब, वो जब टाइम टेबल आपका नया बनेगा ना तब इसमें वो दो सब्जेक्ट ऐड होंगे। अभी फिलहाल इतने सब्जेक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ताकि अपना सिलेबस कंप्लीट हो सके, है ना? एक साथ आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे ना कंटिन्यू, मतलब अपने पास जूम मीटिंग लेने के लिए एक एक या दो आईडी ही अवेलेबल है ना अपने पास, यस मैम। ठीक है? मैम एंड देन मैम जो अगर ऑनलाइन एग्जाम हुई सपोज ये ईयर ये सेम, तो अभी यही डिफिकल्टी है ना मैम कॉलेज में होने, हाँ तो मैम थोड़ा नहीं क्या मतलब ऑब्जेक्टिव बेसिस भी बताते जाओ, क्योंकि जब एग्जाम आती ना तब हमको कुछ समझता ही नहीं। मेरा तो इस बार का पेपर बहुत टफ गया था, कौन सा वाला? जो हमारे सब्जेक्ट का था ना वो हाँ, तो कौन सा सब्जेक्ट था ये तो बताओ। कंज्यूमर स्टडीज वाला टफ हुआ था आपको? हाँ मैम। सच्ची? यस मैम। आपको उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स बताए थे, कितने बार मैम रिवीजन ले चुके मैम थे, और वो नहीं मैम, वो नहीं वो नहीं, वो मर्चेंडाइजिंग वाला नहीं क्या? उसका भी सेम वही किया था हमने, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए मैम, थे। लेकिन ना सबके अलग अलग पेपर आए थे, एक जैसे नहीं आए थे।
ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ना मैम, सच में पूछो, सबको अलग अलग क्वेश्चंस थे। नहीं यस मैम। हाँ साक्षी, अंजलि, रूपाली बताओ। यस मैम, चेंज द क्वेश्चन। यस मैम, आगे पीछे होंगे। हाँ शायद हो सकता है मैम। देखो चेंज तो नहीं हो सकते, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। सेट वन सेट टू इसका मैं नहीं बोल सकती क्योंकि हम तो नहीं निकालते, बट ऑब्जेक्टिव क्या हमने बहुत बार प्रैक्टिस भी ली, और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस ले और वही क्वेश्चन को आप लर्न करो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जितने नोट्स देते हैं ना सारे नोट्स पढ़ने होते हैं, ए टू जेड पूरा पढ़ोगे ना, स्टडी करोगे तभी आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर मिलेंगे। ओके मैम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। वैसे भी अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी देंगे आपको असाइनमेंट में, मतलब बाद में प्रैक्टिस के लिए, जो मॉड्यूल वन पे है उसके बेसिस पे पूरे ऑब्जेक्टिव निकाल के आपको प्रैक्टिस बेस के लिए देंगे क्वेश्चंस, एंड असाइनमेंट भी देंगे और मॉड्यूल टेस्ट भी देने वाला, ठीक है। ओके मैम, पढ़ाई करना आपके ऊपर है, बाकी तो नहीं पता। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना, लेफ्ट करना है फिर। यस मैम। यस मैम। प्रोजेक्ट समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस मैम। ठीक है।